नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्थानापन्नता की सीमांत दर क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। स्थानापन्नता की सीमांत दर समान अधिमान वाली X और Y वस्तुओं की कुछ इकाइयों की विनिमय की दर है। यक्स की वाई के लिए स्थानापन्नता की सीमांत दर MRS XY वस्तु वाई की वह मात्रा है जिसका एक्स की अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्याग किया जाएगा। मतलब यह है, जो हम लोगों ने पीछे उदासीनता वक्र में समझा था कि जब हम यक्स की मात्रा को बढ़ाते हैं तो वाई की मात्रा को कितना हम छोड़ेंगे, बस इसी को हम स्थानापन्नता की सीमांत दर कहते हैं। तो इसको हम लोग एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। स्थानापन्नता की सीमांत दर को समझने के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पहली पोजीशन जो पहला संयोग है उसमें वस्तु यक्ष की 1 मात्रा और वस्तु वाई की 18 मात्रा, मान लीजिए इस पर वो संतुष्ट है। अब उससे कहा गया, नहीं, वस्तु यक्ष की हम आपको 2 मात्राएं दे रहे हैं, 2 इकाइयां दे रहे हैं, तो आप वस्तु वाई की कितनी आपको इकाइयां मिले जिससे कि आपको उतनी ही संतुष्ट मिले। तो दूसरा संयोग उसके लिए बनेगा कि वस्तु यक्ष की 2 इकाइयां और वस्तु वाई की 13। इसी प्रकार फिर उससे पूछा गया कि अगर आपको वस्तु यक्ष की 3 इकाइयां हम दें तो वस्तु वाई की आपको कितनी इकाइयां चाहिए, इधर 9 आ रहा है। चौथे संयोग में 4 और 6, तो साथ में ही हम इसकी MRS देख लेते हैं। मतलब यह है कि पहले संयोग में 18 प्राप्त कर रहा था, 18 ले रहा था, तो और दूसरे संयोग में 13 पर पहुंचा, तो 18 से 13 चले गए, अर्थात इसकी जो सीमांत दर निकली वो आई 5। और इधर 1 वस्तु है, पहले 1 थी अब 2, तो इसकी जो MRS होगी 5:1 होगी, इधर 5 घटी हैं, इधर 1 बढ़ी। अगले संयोग में 13 वस्तु वायु की मात्राएं ले रहा था दूसरे संयोग में, लेकिन जब तीसरा संयोग दिया गया तो वह वस्तु वायु की 9 इकाइयां ले रहा है, तो अब 13 से 9 घट गए तो आपके बचे 4। और इधर पहले 2 यक्ष की वस्तु में ले रहा था, अब 3 ले रहा है, तो इधर 4 छोड़ी 1 बढ़ी, 5 छोड़ी 1 बढ़ी। बस यही कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे वस्तु यक्ष की इकाइयों को बढ़ाता है तो वस्तु वाई की छोड़ने की दर घटती जाती है। इसी तरीके से इसी उसमें आप देख रहे हैं कि 5वें संयोग में वो 2:1 पर पहुंच जाता है। किस तरीके से, 6 से जब 4 घट जाएंगे, यहाँ 2 इकाइयाँ वस्तु वाई की छोड़ रहा है 2:1, और 1 इकाई वस्तु यक्ष की उसे मिल रही, 4 से 5 हो गई। इस तरीके से छठा संयोग वह संयोग आएगा जिस पर कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। MRS को जो इसको निकालते हैं, इसको अगर निकालना हो तो MRS को निकालने के लिए MRS XY बराबर होता है Δy, मतलब वस्तु वाई में कितना परिवर्तन है, और अपान Δx, वस्तु यक्स में कितना परिवर्तन हुआ। वस्तु यक्स की अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने के लिए वाई की जो मात्रा वो छोड़ने को तैयार है वह धीरे धीरे
कम ही होती जाती है उपभोक्ता के इस व्यवहार को स्थानापन्नता की घटती सीमांत दर का नियम कहते हैं। सेम वही चीज़ चल रही जो हम लोगों ने पीछे देखा था। तो एक्स की वाई के लिए स्थानापन्नता की सीमांत दर एम आर एस एक्स वाई बराबर होगी डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, यही हम लोग बात कर रहे थे। अब इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद में क्या है कि यदि एम आर एस स्थिर है तो उदासीनता वक्र प्रत्येक अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ दाएं को नीचे की ओर ढालू सीधी रेखा के रूप में होगा, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि अगर एम आर एस बढ़ती है तो जो उदासीनता वक्र है वो नतोदर होगा। और जैसा आप ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में यह है कि जैसे पूर्ण पूरक वस्तुएं हैं तो उस दशा में एम आर एस बिल्कुल शून्य होती है, क्योंकि उदासीनता वक्र एल आकार का होता है। उदासीनता वक्र की ही बात हो रही, उसी में बीच में टॉपिक आया था कि स्थानापन्नता की सीमांत। तो जो पूर्ण पूरक होते हैं, मतलब जैसे पेट्रोल है और कार है, तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कार खरीदी उसके बाद में पेट्रोल खरीदना शुरू किया तो पेट्रोल के साथ साथ और कारें खरीदता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसमें क्या होता है, एक चीज मान लीजिए वस्तु वाई है, ये है आपकी कार और इधर है पेट्रोल। तो यहाँ पर मान लीजिए इस जगह पर कार खरीदी, अब कार की खरीदी गई मात्रा नहीं बढ़ती जाएगी क्योंकि पूर्ण पूरक है, तो इसलिए पेट्रोल ही बढ़ता चला जाएगा। या एक दूसरे की जगह पर अपोजिट भी कर सकते हैं। इसके साथ में अगर कोई वस्तु जो है वे अगर साधारण पूरक हैं तो उनकी एम आर एस बहुत ही कम होती है। इसका महत्व क्या है, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की अपेक्षा स्थानापन्नता की घटती सीमांत दर का नियम श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, स्थानापन्नता की घटती सीमांत दर का नियम वैज्ञानिक और यथार्थ है, क्योंकि यह उपयोगिता विश्लेषण के मनोवैज्ञानिक गणन संख्या माप से मुक्त है। ये वस्तुओं के संयोगों को लेकर उपयोगिता क्रम संख्या माप करता है, इस बात में यह उपयोगिता सिद्धांत से श्रेष्ठ है। जो मार्शल की बात चल रही थी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, उससे ये सिद्धांत श्रेष्ठ होता है। आइए स्थानापन्नता की सीमांत दर का एक हम लोग चित्र देख लेते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डेल्टा जो वाई है ये पहले चेंज हुआ है वस्तु वाई में, मतलब वस्तु यक्स की इतनी मात्रा को पाने के लिए इतनी मात्रा उसको छोड़नी पड़ी है, बी सी प्राप्त करने के लिए ए बी को छोड़ना पड़ा है, उसके बाद में डी ई प्राप्त करने के लिए सी डी को छोड़ना पड़ा है, एफ जी प्राप्त करने के लिए ई एफ को छोड़ना पड़ा है। आप देख रहे हैं जैसे ही यक्स की मात्रा हम ले रहे हैं तो उसके सापेक्ष जो वाई की मात्रा है वो कम छोड़ रहा है, यहाँ पर अधिक छोड़ी है उसने, उससे कम यहाँ छोड़ रहा है, उससे कम यहाँ छोड़ रहा है। अगर और आगे इसको ले जाएंगे तो ये और भी कम छोड़ेगा। तो ये कारण है कि जो स्थानापन्नता की घटती सीमांत दर का नियम है ये वैज्ञानिक है और यथार्थ है, और इसीलिए ऋणात्मक भी होता है। धन्यवाद।